What's up, up guys? Oh my my are are doing doing oh my god, sorry bad bad. मेरे को पता नहीं मैंने फंबल कैसे कर दिया खुद का ही लग रहा है माफ कर सकते है वेरी लॉन्ग टाइम सो एक्साइटमेंट है मैटर ऑफ फैक्ट ने

एक्शन नहीं करना चाहिए बट या इट्स टू डीप टू लेट इट इज इट इज मेरा अलग अलग जगह पे मेरा दिमाग चाहिए बैड जॉब क्या आसान है कभी सोचा है बस रिपीट करते रहते हो पूछो <laughs> सर 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 हा? सर वाईफाई पासवर्ड क्या है आसान है कैपिटल ए <laughs> सर हाँ आप सर मैं एक पेंटर हूं पर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ यहाँ कितने लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है कि वो क्रिएटिव फील्ड में फंसे हुए हैं और उस वजह से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ऑलमोस्ट <laughs> सबको वैसे इफ आई मे आस्क आप पेंटर क्यों नहीं बने रहना चाहते सर क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूं मैं स्काई को ब्लू की जगह ग्रीन पेंट कर देता हूं सर, सर एक तो तुम्हारे कलर ब्लाइंड आए मैंने ये किया हुआ है <coughs> मेरी मेरी या बहुत बहुत लोगों लोगों को को ये ये चीज़ पता है, बहुत लोगों नहीं भी पता है है नहीं भी शौक हो रही नॉट सी दिस हाउ के नहीं, नहीं समझता था, so, था कि मैंने भी ये किया हुआ है मैंने अपना वो कौन सी एग्जाम रहती है ड्रॉइंग की इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट yeah. <laughs> जो एग्जाम रहती है ना उसमें मैंने झाड़ uh, के जो पत्ते है ना वो सब मैंने ब्राउन कर दिए थे <laughs> क्योंकि मेरे को लगा था कि वो ग्रीन है सो आई लाइक अप और मेरे को उसके वजह से बी मिल गया नहीं तो ए मिल सकता था मेरे को चलो ऐसे तो बहुत चीजें होती रहती है अक्षा था, हमेशा, उसी वज़े था वज़े के मेरे दोस्त भी कभी भी कोई कुछ अगर ये कौन सा कलर है ये तो एक्सक्यूज हुआ ना सर पेंटिंग में तो तो ही होते हैं ना सर तो तुम अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठ जाओ कि वो तुम्हें सही कलर पिक करके दे, दे। मेरे की यहाँ पर कितने लोगों के पेरेंट्स है जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे है सर वो मर चुके हैं हाँ तो मर चुके हैं तो क्या हुआ उससे तुम्हारी पेंटिंग करी थी कितने इनसेंसिटिव हो यार आप यहाँ कितने लोगों को लगता है मैं इनसेंसिटिव हूँ <laughs> किसी को भी नहीं वैसे अगर हम ये कन्वर्सेशन YouTube पे डाले तो आप तो पागल वागल है क्या हा? क्या भाई पकड़ो <laughs> पागल बना <है। laughs> थैंक यू भगवान आपके माँ बाप को लंबी उम्र दे <laughs> <laughs> लगता है पैर छूने आ रहा है मैं और तुम हम उम्र लेके जाओ इसे खैर आज हम बात करेंगे मेरे बचपन की जो एक आध कहानियां बच गई है उन पे कौन कौन चाहता आज का यही टॉपिक हो सर 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 इसके अलावा कोई भी सर, सर 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 तो जब मैं, सर, मैं। अरे राजा इसको निकालो यहां से कुछ बोल रहा हूँ कुछ सोच रहा हूँ सारा फ्लो तोड़ देता है हाथ तो ऐसे खड़ा कर रहा है जैसे यहाँ दिए हों तो मैं कहा था मेरे बचपन पे जब मैं छोटा बच्चा था सत्ताईस अट्ठाईस साल का तब मैं एक तालाब गया था जहां पर मैं एक मछली से मिला हिल्सा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थी वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रही थी आज उसी से इंस्पायर होके मैंने अपना ये चैनल खोला है <laughs> यहाँ पे किसी को गर्मी तो नहीं लग रही सच सच कहाँ गर्मी लग रही है सर मैं तो गांव से नंगे पैर आया हूँ सर सिर्फ आपसे मिलने तो लेट्स एंड टुडे सेशन हियर बोलिए मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर बनना आसान है <laughs> आसान है <laughs> किसी भी चीज के नारे लगवाना आसान है <laughs> आसान है <laughs> यार तुमने सुना कलंकित बयानपुरी अभी अब फैप करने लगा है फैप क्या होता है अरे वो जो हिलाते हैं अब क्या हिलाते हैं सर मुठ रचत मुठ कभी किया है कभी सोचा है क्या मजा है नाउ हाँ। अभी इसके ऊपर से जो अपना थगे शो में कैरी का जो ईमेल आई डी बोला था समझा वो एक अलग ही सीन है भाई वो रिएक्शन <laughs> देख रहा जरूर सॉरी सर मैं मुठल नहीं हूं <laughs> शक्ल से तो लगते हो अब चलाओ उसकी डील राम राम भाई सारे नु तुम पक्का मुठल <laughs> तुम्हारी नाक बता रही है राम राम भाई सारे नेशनल डे चैलेंज का एक सौ सत्तावा देना है देखा बीरा भाई से उससे सीख वट वॉज इज नेम सेवेंटी फाइव मोटिवेशनल डे चैलेंज का एक सौ सत्तावा दिन है सुबह तो उठ के हमने देखा बीरा भाई से उससे सीखा नो फैप फिर तो हम बाथरूम में गए और बैक टू बैक करे दो फैप फिर गए हम पास वाले पार्क में हमने थोड़ा प्रोटीन और डाल दिया बीच में फिर चिड़ियों को देख के बनाया कैप्शन डाला चिड़िया उड़ लड़की घर पे बैठ रील के लाइक गिनते गिनते हो गए शाम तारे लाइक हरियाणा से थे लड़िया हमें डुट्टी पे जहाँ बाड़कों को बेची कच्ची शराब वहाँ से घर आए और मैंने किया एक और फैप फिर आ गया दूसरी डुट्टी पे जहाँ आज मुझे करते सत्तर स्कैम कॉल कॉल लिफ्ट वाले मैंने कमाए तीन सौ रुपए फिर देखा मैं गंती पिछा

ठीक है राम राम भाई वाला यो मैंने लास्ट वाले स्किट में बोला था जो भी मेकअप <laughs> टीम है भाई साहब यू गाइज आर किलिंग इट क्या क्रेजी <laughs> Namaskaram <laughs> Guru. I am hyperactive When I am in office I am unable to sit on the chair for more than two minutes Sit, sit No, no, Guru. It's a problem Problem? See, what is a problem? Oh my <laughs> God, it's bro, carry! but a sentence Which has a question mark in the end Now If you remove that the problem becomes the answer. <laughs> so, your problem is the answer to the sorry, what was the question? <laughs> Hello? Sitting sitting chair. See what is a chair? <laughs> a chair is nothing but a non-living animal with four legs. What? Like an octopus. <laughs> isn't what? it? If you remove the legs, <laughs> it becomes what My problem sitting, remember? See, what <laughs> is sitting?

Oh, see. See. <de> si. <laughs> <laughs> Next question. <laughs> Chatguru. How do you have so much energy? The secret to my energy. <laughs> <laughs> Chatguru. <laughs> what is... Chut oh, guru. my God. Mm -hmm. What? I wasn't sleeping. I was in a trance. Nuclear was playing. Complex composition. We okay. <laughs> yeah, have to go. Okay. I have to end today's session now. Namaskaram. Where are you going? Chadguru. Motivational podcast. I have been invited. See, what is an invite? It's nothing but not unwelcome. So when you are in this amazing. Amidst... Okay, okay. <laughs> I am coming. Can we at least dance first? Huh? What? What? Yes, sir. Research सर, सर. Yeah. ये वाला लेकिन जो आपका ये 30 मिनट के बाद वाला नॉर्डन है सर ये थोड़ा ज्यादा कीजिएगा पिछली पर मीम कम बने थे okay. yes, <laughs> <little bit> <laughs> सर ओके यस <laughs> सर इतना कौन थोड़ा और सर थोड़ा कैसे हो भाई? Welcome to the <laughs> आप पहली बार गांव से बाहर आए इसलिए ये बुक मेरी तरफ से बुक मतलब फूलों का गोलगुला गुलदस्ता शुक्रिया <laughs> जी <laughs> मैंने आपकी रिसेंट रील देखी थी जहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे And that made me curious. <laughs> oh आपने कभी के बारे में सोचा अभी तो ना सोचा अगला चैलेंज वायरल ना हुआ तो सोचूंगा मैंने सुना आपने यूट्यूब चैनल पर एड रेविन्यू ऑफ कर रखा है

啊，美多了，Black Hole，Crispy，我我你看这个，Fuck you man，他拉扯皮，Fuck you man，他拉扯皮。कल तो फूलों को देख के हो गया था वो तो गोल भी नहीं है <laughs> 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 थोड़े बचपन की बात करें <laughs> तो जैसा मैं बोला फर्स्ट मैं करते थे सही सही बताओ क्या तुम भी ना घूम फिर के वही आ जाते हो क्या करें सर टॉपिक नहीं है सेम आ

अरे राजा इस मादर चोट की ट्यूशन लगवा <laughs> इसके व्यूअर्स को सब पता है ये ही चूतिया है ओके okay. ओके uh. okay. व्यूअर्स क्या वो वाज़ अ यूएफओ की राज हैव यू फाइनली कम आई वांट टू हैव बेबीज तो आपको कैसा <laughs> लगा मुझसे बात करके बात करना का दिया आपने आई नो अच्छा लगा थैंक यू फॉर कमिंग टू डीप जी हट चैट गुरु वेयर इज कल अंकित

कारियों के अलावा और कुछ कहना चाहोगे? अबे पीरा लोड एज एक्सपेक्टेड दैट्स कारी मिनाटी फॉर यू अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए मेरे शो पे आ गया वो भी अपनी वीडियो में खुद मैं बनके गजब चूतिया है अब रूपर्च चला दे वो एक्चुअली में फनी होंगे हाहाहा बारूद डियर याद की सेल्फी ठु अरे मोटा चत इस मातर को निकालो यहाँ से cut, cut. Please, cut. <laughs> <laughs> I am not laughing right <laughs> now. I am fine. <high. laughs> <laughs> ये जो एक्सप्रेशन दिए थे कैरी ने ओके ओके स्टॉप इट स्टॉप इट बॉय यू विल ओबे ओके okay ना अरे भाई मैंने डायलॉग वाले बोल लेना आवे हैं वो म्यूजिक वीडियो में ले लो डाउनलोड विन और सपाटे मारो <laughs> <laughs> सपाटे मारो एंड <End> में यो बॉस ओह माय गॉड यार मैं इतना इतना मैंने ये एंजॉय किया है ना ब्रो कैरी इज लाइक एसिंग दिस किट वाला थे yeah, ना yeah. मतलब प्रॉपर वो उसको

क्या रहेगा कि एक्चुअली ना चार पांच दिन वो वो लोगों की तरह ही बात कर रहा होगा क्योंकि उसने वो उन लोग के बोलने का ढंग फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज इतनी सही पकड़ी थी हाई साहब मैं स्पेशली आई थिंक बियर बाई से तो ही वाज लाइक बट इवन अंकित का अरे परफेक्ट किया <laughs> एकदम एकदम प्रॉपर लेकिन अंकित का अंकित का सीन क्या है ना कि uh, अंकित को मतलब आई ये मेरा हो सकता है मैंने अंकित के वो uh, जो चैलेंज वाले 75 हार्ड वो वाले रील्स छोड़ के मैंने उसका कुछ व्लॉग्स वगैरह देखा नहीं है So, vlogs also, I अभी तो उसने बोला ना, जितना भी उसने रील्स yeah. में देखा है जो ढंग रहता है ना मैनरिज्म वो पता नहीं कैसे

स्क्रिप्ट राइट बहुत इसके स्मार्ट जोक्स थे आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा की क्या जोक था इसके लिए अक्षता को बीच बीच में अक्षता ब्लैंक होती थी कुछ भी चलो जो देखा ये भी समझा नहीं ना वो ब्लैक होगी बीच बीच में सो लेडीज एंड जेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.